नमस्ते। ASST का पार्ट एक कक्षा पाँच हमारी धरती तथा इसका नमूना। पार्ट का नाम है हमारी धरती तथा इसका नमूना। हम जिस भूभाग में रहते हैं उसे भूमि या धरती कहते हैं। हमारी धरती पर जल और स्थल दोनों आते हैं। इनमें एक चौथाई भाग स्थल तथा तीन चौथाई भाग जल है। कितना चौथाई जल है? तो तीन चौथाई। हमारी पृथ्वी का आकार में बहुत विशाल है। इस पर पांच महासागर हैं। कितने महासागर हैं? पांच तथा सात महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर ही जीने के लिए आवश्यक हवा एवं पानी इत्यादि उपलब्ध है। इस धरती की विशालता के कारण हम इसका अध्ययन एक बार में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका एक छोटा सा नमूना बनाया गया है। पृथ्वी के नमूने को ही ग्लोब कहते हैं। वृत्ताकार रेखा ही अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में ते सही 1/2 डिग्री है तथा दक्षिणी अक्षांश में रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में ते सही 1/2 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। सबसे निचली रेखाएं जो ग्लोब पर एक दूसरे को काटती हैं वो कहलाती हैं काल्पनिक रेखाएं। इसमें हमने कुछ अभ्यास दी है। अभ्यास में है क्वेश्चन, ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं और मकर रेखा किसे कहते हैं। इसमें हमने मिलान भी दी है, वो भी आप ये एक्सरसाइज मैंने दी है उसको पढ़कर आप मिलान भी कर सकते हैं। सही विकल्प भी दिए हैं वो भी आप पढ़ के कर सकते हैं। इस मैंने पाठ से छोटी स्टोरी बनाई है जिससे आपको सुविधा हो और परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।